तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ। तो अभी मैं आया हूँ नौबतपुर में, जहाँ पे बाबा जी का कथा होने वाला है 13 तारीख को। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे आने में। कैसे आए, क्या मतलब कैसे पहुँचे इस जगह पे, तो इस ब्लॉग को आप लोग पूरा देखिएगा और ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वाला ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है कि आप लोग यहाँ पे कैसे पहुँचे इस टॉपिक को लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। क्यों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये है पटना जंक्शन। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने निजी स्थान से पटना जंक्शन के लिए रेलगाड़ी लेनी पड़ेगी। ट्रेन से आपको पटना जंक्शन पर आना पड़ेगा। और ये आप लोग देख रहे हो, पटना जंक्शन पर आने के बाद आपको ऐसा कुछ गेट से बाहर आएंगे तो पटना जंक्शन से आपको आगे चलना है रोड की ओर। तो ये अपना पटना जंक्शन है, इसके आगे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये पूरा जैसे ही आप अंदर मतलब बाहर आएंगे स्टेशन के, तो ये आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख रहे हो, जैसे पटना जंक्शन का आप लोग बाहर आओगे, आपको ये धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो है बैनर्स लगे दिखेंगे, और काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ पर जाना है। तो भीड़ भी है और यहाँ पर जगह जगह पर पोस्टर्स भी आप लोगों को दिख जाएंगे। उसके बाद आप लोग देख रहे हो, ये मेन गेट है पटना जंक्शन का, तिरंगा लगा है। तो यहाँ से आपको बाहर आना है पटना जंक्शन से, और बगल में मंदिर है। तो मंदिर के जैसे ही आप लोग बाहर देखेंगे, तो यहाँ पे मंदिर के बाहर ये रोड गई हुई है, ऊपर हाईवे है मतलब ओवरब्रिज है, तो नीचे रोड गई है। यहीं से आप लोगों को जाना पड़ेगा पटना एम्स के लिए। आपको यहाँ से ई रिक्शा मिलेगी, जिसका चार्ज 30 रुपये पर व्यक्ति लेते हैं ये लोग। वहाँ पर आपको जाना होगा, तो चलिए वहाँ पर चल के मिलते हैं आप। तो दोस्तों, ये है अपना पटना एम्स। यहीं पे आपको यहाँ पे नौबतपुर जाने के लिए बस, टैक्सी, रिक्शा वगैरह सब चीज़ अवेलेबल हो जाती है। और बाबा जी के दरबार में जाने के लिए यहाँ पे फ्री बस सर्विस भी चलाई गई है, जो कि 13 तारीख को स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, बाई चांस अगर आप लोगों को वहाँ पे पटना एम्स के बाहर अगर आप लोगों को टैक्सी नहीं मिलती है, तो आप लोगों को थोड़ा और आगे आना पड़ेगा यादव चौक के पास। यादव चौक के पास आने के बाद आप लोगों को टैक्सी ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। और यहाँ पर सामने भी बैनर लगे हुए हैं, यहाँ आप लोग देख रहे हो कि कथा तक जाने का रास्ता है। तो आपको आगे ये सामने वाली रोड है, यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो यहाँ से आप लोगों को ईजिली जो है टैक्सी, ई रिक्शा वगैरह मिल जाएगा। और बात करें यादव चौक से नौबतपुर जाने का, जो किराया है वो 25 रुपये से 30 रुपये पर व्यक्ति लिया जाता है। और अगर आप लोग रिजर्व में जाते हैं तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, और यहाँ पर ज़्यादातर टैक्सी वाले आपको रिजर्व में ले जाने के लिए ही ऑफर करते हैं। तो उस चीज़ को आप लोग तुरंत मना कर दीजिएगा। कोई ना कोई टैक्सी आप लोगों को मिल जाएगी, जो कि आप लोगों को 20 से 30 रुपये में वहाँ नौबतपुर तक छोड़ देगी। तो जैसे ही आप लोग नौबतपुर पहुंचोगे, आप लोगों को टैक्सी वाला इस चौराहे पर रोक देगा। अब इस चौराहे का नाम तो नहीं पता है, पर यहाँ पे आप लोगों को तमाम लोग जो है मठ की ओर आते हुए जाते हुए नज़र आएंगे। तो आप लोग सीधे यहाँ से पैदल ही मठ की ओर प्रस्थान कर सकते हो। 100 से 200 किलोमीटर में जो है मठ पड़ता है, तो आप लोग इजिली आराम से पहुँच सकते हो। तो ये है कुछ व्यू। और ये जो लोग देख रहे हो, श्रद्धालु अभी भी आना स्टार्ट कर चुके हैं। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, पंडाल वगैरह दिखना स्टार्ट हो चुका है हम लोगों को बाबा जी का। इधर भी पंडाल है, और मतलब काफ़ी बड़े एरिया में जो है यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं, आप लोग देख ही सकते हो पूरी तरीके से। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देता रहूँ। चलिए इसी के साथ इसी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।